भाजपा आईटीसीएल के नेता को दबंगे ही दिखाना पड़ा महंगा। डॉक्टरों के साथ गाली गलौज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। खुद माफी मांग छुड़वाया पीछा। कहते हैं सत्ता का नशा एक ऐसा नशा होता है जो जिसके सिर पर चढ़ जाए वह अपने काबू पे नहीं रहता। और यदि सत्ता के नशे के साथ साथ आप पर लाल परी का नशा चढ़ा हो तो बात कुछ और ही हो जाती है। ऐसा ही वाक्य की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें भाजपा आईटी सेल का एक नेता अंबाला छावनी में बने सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जाकर डॉक्टरों को दबंगई दिखाता है। इस वीडियो में दिख रहा ये शख्स भाजपा आईटी सेल का नेता है, जो डॉक्टरों को अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के नाम पर कह रहा है कि हमें स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों की चेकिंग करने के लिए भेजा है। वहीं ये डॉक्टरों से बदतमीजी करता हुआ भी इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। जब हॉस्पिटल स्टाफ को इस पूरे मामले पे इस व्यक्ति पर शक हुआ तो उन्होंने रात को ही अपने उच्च अधिकारियों से बात की और इन दोनों ही लोगों को धर दबोचा। आप देख सकते हैं कि जब अस्पताल स्टाफ ने इन दोनों लोगों को पकड़ा तो ये दोनों लोग माफी मांगते नजर आए। वहीं ये दोनों ही लोग नशे में बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही शख्स भाजपा के आईटी सेल के नेता बताए जा रहे हैं, इसलिए देर रात ही इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। अभी आदमी कोई भी आगे कुछ भी करेगा तो गलत है ना, ये घबरा रहा है, छुप रहा है, क्यों नहीं अलाउड है बाहर है। वहीं इन दोनों का ब्लड सैंपल ले डॉक्टरों ने इन्हें ये कहकर माफ कर दिया कि वे भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करेंगे। लेकिन सूत्रों की माने तो इस मामले में डॉक्टरों की माफी के पीछे खेल एक नेताजी के घर से जुड़ा हुआ है, जिनके अधिक कर्मचारियों ने रात को ही डॉक्टरों को इस पर कार्रवाई ना करने की हिदायत दे दी थी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री अंबाला से हैं और यदि अस्पताल में कोई घटना होती है और भाजपा के ही लोग उस घटना में शामिल होते हैं तो डॉक्टरों की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह एक दबंगई दिखाने वाले गुंडागर्दी करने वाले भाजपा के नेता के खिलाफ कार्रवाई कर दें। बहरहाल आप खुद इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि यदि ये हरकत किसी और ने की होती तो उसके साथ क्या अंजाम होता। अभी आदमी कोई भी आगे कुछ भी करेगा तो गलत है ना, ये कोई नहीं करेगा रहा है, छुप रहा है, क्यों नहीं अलाउड है, डॉक्टर मेरे बाहर है। क्या अब इस व्यक्ति के साथ भी वही अंजाम नहीं होना चाहिए? फैसला आपके हाथ है, लेकिन खबर दिखाना हमारा फर्ज था। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।